कल तो मुझ क्यों कहाँ जरूरत पड़ गई उठिए कि अब लाशें भी यह बोल उठिए मन अंतर मन पर घात करो ले वो भाव हमारे वीरों में तो है ही है। वीर पाई हुई है कि पाकिस्तान के अंदर तक का हमने कब्जा किया है लेकिन जब टेबल की मेज पर वो इनसे गीता के उपदेश के अनुसार निपटने के लिए जो भाव चाहिए जिस प्रकार का संबल चाहिए वो संबल भारत का एक एक नागरिक को दे रहा है। ये भाव जगाने के लिए हम आज इस श्रद्धांजलि के रूप में हमारे उन वीर सैनिकों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके परिवारों को भगवान जिन परिस्थितियों में परिवारों का वर्णन हमने सुना है जिस प्रकार के अबोध बालक बालिकाओं वाले नवयुवक जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उन परिवारों को संबल प्रदान करें। उन परिवारों को भी ये भाव जगे कि नहीं पूरा देश हमारे साथ है के बारे में अवगत कराया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरह से हमको एकजुट होकर सरकार का और जो शहीद परिवार हुए उनको किस तरह से संबल देने की भावना यहाँ पर व्यक्त की है कि कौन किसको पूछता है मतलब निकल जाने के बाद कि कौन किसको पूछता है मतलब निकल जाने के बाद रात भी उड़ जाती है लाश जल जाने के बाद रात भी उड़ जाती है लाश जल जाने के बाद तो हम सब सुरक्षित हैं। आज वो नहीं है तो हम भी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं। आज हमारे भाइयों की कई बहनें दुखी हो रही हैं, कई पत्नियां, कई माओ की गोद उजड़ गई है। हम मोदी जी से मेरा तो ये निवेदन है तन मन धन से हम सब तैयार हैं। जो भी हमारे लायक धन चाहिए चाहे तन चाहिए चाहे हमारे खून का एक खतरा ले लें लेकिन हमारे देश के लिए जो भी हमारा फर्ज है हमें बताएं और हम तैयार हैं हर समय 24 घंटे जब भी जाएं हम वहाँ लड़ने के लिए किसी भी समय किसी भी रूप में हम तैयार होकर के हमेशा हम भी चाहते हैं कि देश के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हमारा देश सुरक्षित रहे। किसी भी तरह से कोई विषम परिस्थिति पैदा हो तो भारत का हर कण कण इस कार्य इसमें अपना अमूल्य आप सभी की तरफ से मैं तो इस घटना की निंदा करता हूँ और इस तरह से जो घटना होती है और जो परिवार उजड़ता है उस परिवार से अपन मिलते हैं तो अपने भी आंसू अपन रोक नहीं पाते हैं। लेकिन यदि भारत माता का कोई भी बंदा इस समय में इस पीड़ित परिवारों के लिए कोई शोक सभा या कोई मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करता है तो मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की भारत की जो अमर माटी है उसका जो तिलक है वो भारत के हर विद्या पर चमकेगा। वो खेल रहे थे होली जब हम बैठे थे वो खेल रहे थे होली कोई सिख कोई जाट मराठा कोई गुरखा कोई मद्रासी सरहद पे मरने वाला सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी हर वीर था भारतवासी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछावी संगीन के धर कर माता क्या तो थे वो कभी मानी जो कुर्बानी पानी जो शहीद पानी जय हिंद जय हिंद की सेना जय हिंद जय जय हिंद की सेना जय हिंद। वो विषय से पहले सभी भाई लोग चुके हैं जगह जगह भावभीनी श्रद्धांजलियां हम दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। कितने कांडों हैं कितने आतंकी हमारे देश में नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने ही देश से हम सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा क्यों कहीं ना कहीं हमारी कमी हम सोचते हैं महाराणा प्रताप तो बने शिवाजी तो बने लेकिन मेरा बच्चा नहीं मेरे पड़ोस का बच्चा अपने बच्चे को कभी इस चीज के लिए हम आगे नहीं करते हैं।
पड़ोस के बच्चे से ये गुजारिश और ये आशा करते हैं कि इस बच्चे को हम महाराणा प्रताप बनाएं। ऐसा क्यों? जब तक हम स्व से किसी भी बात को आरंभ नहीं करेंगे, हम इसी तरह से ये अपना सहते रहेंगे। जीवन पथ जो कंटकमय हो, जीवन पथ जो कंटकमय हो, विपदाओं का घोर वलय हो, विपदाओं का घोर वलय हो, हिंदु कामना माता की जय। सामने विराजमान सभी भक्तजन, माताएं, बहने एवं छोटे छोटे भैया, जिस प्रकार अपन सभी यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, बहुत दुख है कि अपने सेना के शहीद होने पर ज़्यादा भाषण और कोई प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, परंतु अपन सबके मन के अंदर यही भाव हो कि अपन वहाँ पर नहीं जाएं सेना के बीच में, परंतु यहाँ पर भी रहकर कि अपन किस प्रकार समाज एवं राष्ट्र की चिंता प्रतिपल पग गति मान चाहिए, प्रतिपल पग गति मान चाहिए।